अस्सलाम वालेकुम, क्लास टेंथ। अभी जो आपका डिटेंशन का पेपर हुआ है फिज़िक्स का, उसके एमसीक्यूज़ हैं। हम उसका सेक्शन ए जो एमसीक्यूज़ का है वो सॉल्व करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द पीरियड ऑफ मैसमिंग सिस्टम। यहाँ टाइम पीरियड की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है मैसमिंग सिस्टम में, टी इज़ इक्वल टू 2π अंडर द रूट एम बाई के। यहाँ पर एम से हमारे पास क्या चीज़ है, एम डेजिग्नेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है मैस को, और के हमारे पास क्या चीज़ है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। तो देखिए हमारे पास टाइम पीरियड के फार्मूले में मैस भी है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी है। तो हमारे पास मैस भी इफेक्ट करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी इफेक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या चीज़ है जो कि इफेक्ट नहीं करती, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। देन सेकंड है हमारे पास एन इको अकर्स व्हेन अ साउंड वेव इज। अब आपको पता है हमारे पास इको तब अकर करती है जब भी हमारे पास साउंड की वेव्स किसी भी बॉडी से, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, तब हमें इको सुनाई देती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी, रिफ्लेक्टेड। थर्ड हमारे पास इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। आपको पता है कि हमारे पास जब रिफ्लेक्शन के केस में जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मीडियम पे इफेक्ट होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 50 डिग्री। फोर्थ है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज। सबसे पहले तो इसमें आपको ये देखना है कि हमें मिरर कौन सा दिया है, मिरर हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमारे पास हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा एफ इज इक्वल टू माइनस। अब माइनस साइन किसके लिए, क्योंकि ये मिरर कौन सा हमारे पास, कन्वेक्स मिरर है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस आर बाई टू, आर हमारे पास होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ हमारे पास मिरर की होती है हाफ ऑफ रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 20/2 हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमारे पास मिरर है कन्वेक्स मिरर। नंबर फाइव है द यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो हमारे पास चार्ज का यूनिट क्या होता है, वो होता है कूलम, बी ऑप्शन। देन सिक्स देखें, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर किसका यूनिट है हमारे पास, किलोवाट तो हमारे पास होता है पावर का यूनिट, ठीक है। वाट जो कि पावर का यूनिट है, किलो उसकी प्रीफिक्स है जो कि 10³ होती है। तो जब भी हमारे पास पावर के साथ टाइम आ जाए, ठीक है, इस तरह पावर के साथ टाइम आ जाए तो वो हमारे पास बन जाती है एनर्जी, ठीक है। तो पावर का यूनिट यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, वाट होता है हमारे पास और किलो हमारे पास प्रीफिक्स हो गया विद मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये हमारे पास बन जाता है एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास किलोवाट आवर का यूनिट किसका यूनिट है, एनर्जी का। सेवन्थ है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, तो ये हमने ऊपर ही देख लिया है, इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे पास यूनिट क्या होता है, वो होता है वाट। नंबर एट है व्हेन द स्पीड एट विच अ मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू अ कॉइल इज इंक्रीज्ड द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज। जब भी हमारे पास एक कॉइल है उसमें से जब भी मैग्नेट को पास किया जाएगा तो हमें पता है कि हमारे पास इंड्यूस्ड EMF या वोल्टेज जनरेट होती है। अब स्पीड जब हम उसकी इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, जब भी आप एक स्पीड को इंक्रीज करोगे, किसकी स्पीड को, मैग्नेट के मूवमेंट की, ठीक है। मैग्नेट को जब भी आप ज़्यादा तेज़ी से आप मूव करोगे कॉइल से, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी कट करती हैं, ठीक है। तो उस केस हमारे पास जो EMF इंड्यूस्ड होती है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा हुई तो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू भी या इंड्यूस्ड वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन, इंक्रीजेस। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई इज कॉल्ड गेट। कौन सा गेट है जो कि हमारे पास हाई इनपुट देता है उस केस में जब उसके सारे इनपुट्स हाई हों, तो वो हमारे पास होता है कौन सा वाला, एंड गेट। एंड गेट में आपके पास दो इनपुट्स हैं या तीन इनपुट्स हैं, आपके पास जितने भी इनपुट्स हैं वो एक वक्त में हाई होने चाहिए, मतलब उनके पास आउटपुट का जो इनपुट है वो वन होना चाहिए, तब वो हाई इनपुट या वन इनपुट हमें आगे प्रोवाइड करता है। देन द बुलियन इक्वेशन फॉर नैंड गेट इज, नैंड गेट का बुलियन इक्वेशन उनमें से कौन सा वाला है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एक्स इज इक्वल टू ए बी डैश या ए बी बार कह लो। नैंड गेट हमारे पास क्या होता है, ये एक्चुअली इनवर्स ऑफ एंड गेट होता है, ठीक है। देन नंबर नाइन, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिके लीव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अनचेंज्ड।
अब देखिए हमारे पास जब भी डिकेइंग होती है तो उसमें हमारे पास अल्फा डिके में हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यू चेंज होती है, इसी तरह बीटा डिके में भी होती है, हमारे पास गैमा डिके में हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, सिर्फ हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कूलम कॉन्स्टेंट के डिपेंड्स अपॉन, जो हमारे पास कूलम कॉन्स्टेंट है के, वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है मटीरियल मीडियम पे, जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो हमारे पास जो ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है रेटिना पे, ऑप्शन नंबर बी। देन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है, ये हमारे पास किसको स्टेप अप करता है, ये वोल्टेज स्टेप अप कर देता है, ठीक है, और इसी तरह अगर स्टेप डाउन लिखा होता तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्टेप डाउन कर दिया तो वोल्टेज स्टेप डाउन हो गई है। तो यहाँ पर स्टेप अप का बोला हुआ है, तो हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो एक्चुअली वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देन ओरिजिन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन एंड स्टार्स इज डैश, कौन सा होगा, हमारे पास जो सन्स और स्टार हैं, सन और स्टार्स हैं, वहाँ पर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है या हमारे पास एनर्जी हमें मिल रही है उसके ज़रिए से, वो किस प्रोसेस से हो रही है, वो हो रही है फ्यूजन से, ठीक है। फ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई हीलियम के हों, न्यूक्लियस हाइड्रोजन के हों, जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास एक लार्ज न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होती है, सेकेंडली उसमें इमेंस अमाउंट या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे पास जो सन और स्टार्स पे जो हमारे पास ओरिजिन एनर्जी का, वो है फ्यूजन प्रोसेस। सो आई होप कि आपको सारे पता चल गए होंगे, आपके करेक्ट ऑप्शंस आप देख लीजिएगा इनमें से। थैंक यू।